सब्सक्राइब करें नवाब हाफ माइंड चैनल को, प्रेस आइकन बेल दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवाब आबिद और आप हमारे चैनल नवाब हाफ माइंड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज बात करने आए हैं फ्लाइट की। फ्लाइट जो आसमान में उड़ते हैं, हम लोग बैठने की चाहत रखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बैठते हैं, डर के मारे नहीं बैठते हैं कि यार ये क्रैश हो जाएगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा या कोई तकनीकी कारण की वजह से कुछ भी हो सकता है, तो उस वजह से न्यूज़ वगैरह देखते हैं, अलग अलग वीडियो देखते हैं ब्लास्ट की, क्रैश की, या अलग अलग वीडियो देखते हैं, तो उसमें अलग अलग आशंका पैदा होती है कि ऐसा तो नहीं ये क्रैश हो जाएगा, ऐसा तो नहीं ये कुछ हो जाएगा। उसमें फ्लाइट जिस तरह से आसमान में उड़ते हैं उस हिसाब से खतरा भी होता है, उस हिसाब से सारे यात्रियों का इंश्योरेंस भी होता है, लेकिन साथ ही साथ सावधानी बरती जाती है, पूरे इंतजाम किए जाते हैं, पूरा चेकिंग किया जाता है, उसके बावजूद भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि वो फ्लाइट है और वो आसमान में उड़ रहा है। क्योंकि ज़मीन पे जब गाड़ियाँ चलती हैं, तो कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी ब्रेक फेल हो जाता है, कभी गियर का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी भी कभी कभी नई नई गाड़ी में भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो तो फ्लाइट है, वो तो ऊपर उड़ रहा है, कुछ ना कुछ कारण लगा रहता है, तो बैठने का कारण लगा रहता है, डर का कारण लगा रहता है, बहुत सारे लोग नहीं बैठते हैं। देखिए, बैठने से घबराना नहीं चाहिए, बैठना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, सफ़र करना चाहिए, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ खतरे भी हैं, कुछ सिग्नल भी है, तो उसकी सावधानी बरतनी चाहिए। वो तो फ्लाइट वाले सावधानी बरतेंगे, उनको भी एक कारण का नहीं पता होता है, वो तो अचानक ये तकनीक कारण आ जाती है, फ्लाइट क्रैश हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। अगर पायलट किसी कारण उसको बचा पाता है तो पूरी तरह बचाने की कोशिश करता है, पानी में लैंड करने की कोशिश करता है, समुंदर में लैंड करता है, अपने फ्लाइट से एक सिग्नल से सिग्नल देता है कि ये तकनीकी कारण है या इंजन ब्लास्ट हो गया है राइट वाला या लेफ्ट वाला, उस कारण से हम फ्लाइट इस लोकेशन पे लैंड करेंगे। तो वो अधिकारी लैंड लोकेशन को ट्रैक करके अपने पूरा जहाज वगैरह भेज देते हैं यात्रियों को बचाने के लिए। अगर जहाँ तक वो बचा पाते हैं, यात्रियों को बचाते हैं, और नहीं बच सकते, अगर ब्लास्ट हुआ है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, पूरे पुख्ता इंतजाम रखे जाते हैं, पैराशूट रखा जाता है, सारा इंतजाम किया जाता है, लेकिन ऊपर वाले के हाथ में है, किसकी जान बख्शेगा किसकी जान नहीं बख्शेगा, ऊपर वाले के ऊपर लिखा है कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। तो इस वीडियो को देखिए, फिर आप बताइए हमें क्या है। आपको इस वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।